हेलो एवरीवन, प्रनून नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी स्टूडियो पिछिजा पाठपन अकेडमी। तो आज दोपहर 12 बजे आप हमारे साथ जुड़ चुके हो स्टूडियो चैनल पे, जहाँ हमारे डियर 25 सवाल देखने वाले हैं। तो मैं आपको देख रहा हूँ, आई एम विजिबल और नॉट, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी आई होप। अभी दौर है साइक्लोन का, गुलाबो गुलाब पता नहीं कई नाम जो पाकिस्तान ने दिया है ना। और इस साइक्लोन से जो पूर्वी घाट या पूर्वी तट के राज्य हैं वो बहुत प्रभावित हैं, खासकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, जो कंटिन्यू कल से बारिश है, बिल्कुल बिना मतलब रुके, नॉन स्टॉप, जिसका असर कल शाम वाली क्लास में भी देखने को मिला। शाम 5 बजे क्लास नहीं हुआ, आपको याद होगा कि जैसे क्लास शुरू हुआ वफर होना शुरू हो गया, क्योंकि भाई जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी और जो नेट कनेक्टिविटी है वो दोनों प्रभावित हैं, है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून माई डियर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो हमारे साथ प्रजापति नंबर वन, अच्छा, जो ही प्रणय, चांदनी, सुरेश, किरण, हाँ जूही जी, रात में भी क्लास नहीं हुआ बच्चे, नाइट में भी क्लास नहीं हुआ, लेकिन अनकेडमी पे क्लास हुआ है हमारा। आज सुबह 8 बजे मैंने पढ़ाया आपको, 10 बजे वाली क्लास हुई है ना। हाँ पढ़ने झारखंड में हो बच्चे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करें, खैर ये लगा है, जैसे हो मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, है ना। चलिए, हेलो आजाद, सुरेश, सोनू, हरिभान, कामिनी, अनिकेत, अरुण, है ना। चलिए गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मनोज। तो आज बच्चे 25 सवाल होंगे, बहुत मजा आने वाला है सवाल में आज। और आज है 30 तारीख, सितंबर के लास्ट, सितंबर का लास्ट दिन, और अनकेडमी का जो ऑफर चल रहा है सितंबर ऑफर, ये आज एंड कर जाएगा, क्योंकि मंथ एंड होगा तो ये एंड हो, तो ये ऑफर है क्या, 24 महीने के साथ एडिशनल 8 महीने आपको फ्री मिल रहे हैं, 6 महीने के साथ बिल्कुल, 2 महीना बिल्कुल एक्स्ट्रा है पढ़ने का मौका, 12 महीने के साथ 4 महीना मैं फ्री ना कहूँ ये कहूँ एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपको पढ़ने के लिए, है ना। और जिसका प्राइस माई डियर, 2 साल का जो प्राइस है 7800, 1 साल का 6500, 6 महीने का 5400, आप जैसे ये कोड यूज करते हो ये 10% कम हो जाते हैं आपके। आप हमारी स्पेशल क्लास करते हो अनकेडमी पे, वहाँ से आपको क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं, तो उस क्रेडिट पॉइंट के भी जरिए आप 10% का बेनिफिट उठा सकते हो, यानी टोटल 20%, है ना। और अगर आप रेलवे एस्पायरेंट हैं केवल, तो हमारी जो सुबह 9:05 वाली क्लास है ये आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसका प्राइस स्टिल अभी तक हाइक नहीं हुआ है, तो ये मौका अच्छा है, क्योंकि मैं अक्टूबर के महीने में रेलवे कैटेगरी में जीरो से हीरो, बिल्कुल जीरो टू हीरो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जो रेलवे कैटेगरी में एग्जाम जो होंगे वो बेनिफिट होगा आपके लिए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारे रेफरल कोड बाबा टेन लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखिए सवाल नंबर वन, बच्चे क्या कहता है, केसफान द पार्शियन कैपिटल इज सेड टू हैव प्रोवाइडेड द इंस्पायरेशन टू बिल्ड विच ऑफ दिस मोन्यूमेंट्स। फारसी राजधानी इस्फहान ने से निम्नलिखित में से किसके निर्माण की प्रेरणा मिली है, हुमायूं टॉम्ब, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार या रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर वन, पढ़ना झारखंड में कहां से है, अच्छा आप कहां से बच्चे बताओ। तो सवाल नंबर वन कहता है, ये क्या कहता है भाई डियर, लाल किला परिसर, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, क्या होगा, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। हुमायूं का मकबरा की बात करें, ये कहां पे, दिल्ली में है, और भारत का संभवतः पहला ऐसा मकबरा जिसका गुंबद व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, यानी सफेद संगमरमर से बना हुआ, दिल्ली में है। महाबोधि मंदिर, ये कहाँ, तो बोध गया, गया बिहार में। कुतुब मीनार की बात करें, ये भी दिल्ली में, लेकिन इसका निर्माण कार्य शुरू करता है कौन, तो निर्माण कार्य शुरू करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कंप्लीट करता है इल्तुतमिश में, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इसका निर्माण। तो दो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं। लाल किला बात करें माय डियर, तो आगरा में भी लाल किला है जिसका निर्माण अकबर करता है, और दिल्ली में भी लाल किला है जिसका निर्माण शाहजहां करता है, ठीक है। एनी कंफ्यूजन, जमशेदपुर से हैं, ओके।
द इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी है? नागनंदा, कादंबरी, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर टू, बता बच्चे क्या होगा कि बाणभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक कितने लोग फंसे हमारे चक्कर में, हमारे चक्कर इन द सेंस हमारे ऑप्शन के अनुसार। भैया कादंबरी और हर्षचरित, कादंबरी और हर्षचरित ये दोनों बाणभट्ट लिखे हैं, जबकि आपको याद है कि हर्षवर्धन ने पीएनआर लिखा है, प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली। देख लो कर बैठे गलती भारतीय राय करी, हम नहीं फंसे हैं। कौन गलती किया? ठीक है, तो याद रखना प्रियदर्शिका, नागनंदा, रत्नावली ये किसने लिखा था? हर्षवर्धन लिखते हैं ये। अच्छा जरा बताना बच्चे, कादंबरी, नागनंदा, पीएनआर जो है, प्रियदर्शिका, नागनंदा, रत्नावली ये किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया? हाँ उमा शंकर, प्लस वाली क्लास होगी बच्चे। बताओ, संस्कृत लैंग्वेज में, किस भाषा में? संस्कृत में। किस में? संस्कृत भाषा में लिखा गया था, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट या 42nd अमेंडमेंट एक्ट? क्वेश्चन नंबर थ्री। गुड आफ्टरनून निरंजन, आपका भी कमेंट आ रहा है माय डियर। गुड आफ्टरनून। बता बच्चे क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है? ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। अच्छा जरा बताना कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, 0 से 6 ईयर्स राज्य सरकार का भी कर्तव्य है बच्चों को देना शिक्षा, एजुकेशन, तो वो किस आर्टिकल में है जरा बताइएगा। 0 से 6 वर्ष की बात करेंगे तो वो किस आर्टिकल में है, क्योंकि 86th अमेंडमेंट की बात करें तो 6 से 14 वर्ष है, ये 6 से 14 वर्ष है जो आर्टिकल नंबर 21A कहता है। तो जो 0 से 6 है ना, ये आर्टिकल नंबर 45 जाएगा माय डियर, आर्टिकल नंबर 45 DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य का कर्तव्य है। देखो अभी सिंह फ्रॉम जम्मू, बहुत बढ़िया, क्या बात है, हेमंत, अच्छा हेमंत सोरेन तो नहीं, ऐसा के सिंह, क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, तो 45 DPSPs के तहत, जबकि जो बच्चों का अधिकार है वो क्या है, 21 है। इसलिए कहते हैं माय डियर, जो एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है, शिक्षा एक ऐसा वर्ड है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स में भी है, DPSPs में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। कैसे? फंडामेंटल राइट्स 21A, DPSPs आर्टिकल नंबर 45 और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो 86वां संविधान संशोधन है ना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज 51A का 11वां कर्तव्य जो है वो है ना। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए आगे देखें, नेक्स्ट, 1907 के कांग्रेस का अधिवेशन किस नदी के तट पर आयोजित किया गया था? साबरमती, लूनी, ताप्ती, रावी। क्वेश्चन नंबर चार, बताइए। तो माय डियर अगर आप देखोगे तो 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये कहां हुआ था? ये सूरत में हुआ था। सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। जो बच्चे रावी लगा रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि रावी में होता जरूर है, ये लाहौर में, जो फेमस है कौन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, जो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं, जबकि ताप्ती सूरत में जब हुआ था। यहां पर कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो जाती है, गरम दल, नरम दल, और जो रास बिहारी घोष अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं बच्चे? रास बिहारी घोष अध्यक्षता करते हैं, बोस नहीं, अजय बोस नहीं, घोष, रास बिहारी घोष, नोट बोस, विराट कोहली भैया इसलिए आपकी कप्तानी छिन जाती है,
आप बोस लगाते हो, बोस बनते हो और अपने साथी क्रिकेटर को खेलने नहीं देते हो। देखो विराट कोहली ने क्या किया था, अश्विन को खेलने नहीं दिया, देखो पत्ता कट गया उसका, चालान कट गया, है ना। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज फाउंडेड इन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, 1925, 1885, 1984 या नन, कोई नहीं, सवाल नंबर 5। जल्दी घोष्ट मत कर देना यार, घोष है घोष, घोष्ट मत कर दो, हे भगवान, ये लोग तो घोष कर देंगे, घोष्ट बना देंगे। जो 1885 लगा रहे हैं जरा चालान कटवा लो अपनी, 1885 में INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात करें जिसे हम NCP कहते हैं, NCP जिसकी स्थापना किसने किया था, शरद पवार, जो BCCI के अध्यक्ष रहे हैं, ICC के अध्यक्ष रहे हैं, शरद पवार। क्या होगा, शरद पवार। जबकि INC की स्थापना 1885 में की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की जाती है। तो NCP का चुनाव चिन्ह क्या है, घड़ी छाप। NCP का चुनाव चिन्ह क्या है, घड़ी छाप। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। बोडो भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है, द बोडो लैंग्वेज इन विच इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर। ओहो, जो ही कह रही है, मम्मी का कॉल आया था, क्यों बताती हो, मम्मी का कॉल आया था तो बात करके चुप रह लेते। कोई आपसे पूछा किसका कॉल आया, विश्वास नहीं होता यार, बताओ। असम। तो माय डियर, बोडो भाषा की बात करें किस राज्य में बोली जाती है, बच्चे असम में बोली जाती है, जबकि जम्मू कश्मीर में डोगरी। आप कंफ्यूज करते होंगे असम और जम्मू कश्मीर में, असम में बोडो और जम्मू कश्मीर में डोगरी, क्योंकि आपको याद होगा ये सारे के सारे भाषा किसमें, तो आपके 8th अनुसूची में पहले 14 भाषा था, अभी 8 भाषा जोड़ा गया, 22 भाषा है, 22 भाषा है ना, है ना, याद है, 22 भाषा है। तो कंफ्यूज मत करना डोगरी और बोडो में, बोडो बोडोलैंड, डोगरी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन गलत रूप से मेल खाता है, एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, सर्व टू विन नोवाक जोकोविच, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ सुनील गावस्कर, क्वेश्चन नंबर 7, बताइए क्या होगा। तो माय डियर, ऑप्शन नंबर डी, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। अब बताओ द टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसकी है, युवराज सिंह, UB। सुनील गावस्कर का बजरा बताना बच्चे क्या होगा, सनी डे, सुनील गावस्कर का सनी डे, है ना, याद रखना। तो द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह और सनी डे अन ऑटोबायोग्राफी सुनील गावस्कर का है, सुनील गावस्कर का सनी डे, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट के लेखक कौन है, सौरव गांगुली, संजय मांजरेकर, सेन वर्न, मिताली राज, क्वेश्चन नंबर 8। इम्परफेक्ट के लेखक कौन है माय डियर, हु इज द ऑथर ऑफ इम्परफेक्ट, हु इज द ऑथर ऑफ इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट के लेखक कौन है, संजय मांजरेकर, कौन है माय डियर, संजय मांजरेकर। और सेन वर्न का जरा बताना, नो स्पिन, पता ना सेन वर्न कितना स्पिन कराना चाहता है, सेन वर्न का नो स्पिन। और अ सेंचुरी इज नॉट इनफ,
सौरव गांगुली है ना, आगे देखो तो सौरव गांगुली वन सेंचुरी इज नॉट इनफ, सिन वन नो स्पिन, और मिताली राज का अनगार्डेड, मिताली राज का जरूर याद रखिएगा अनगार्डेड। नेक्स्ट, लोकसभा के सबसे लंबे समय तक सेवारत स्पीकर रहे हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा, सोमनाथ चटर्जी, पी ए संगमा, बलराम जाखड़, के एस हेगड़े, क्वेश्चन नंबर 9। क्या होगा बच्चे, तो लोकसभा के सबसे लंबे समय तक सेवारत स्पीकर की मैं बात करूं तो कौन रहेंगे, बलराम जाखड़। कौन है भाई, बलराम जाखड़ है ना, याद रखना। हु वॉज द फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, क्रैक द एग्जाम, अभी तक कोई ऐसा डेट नहीं आया माय डियर। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष की बात करें गुलजारीलाल नंदा, नन क्या होगा, गुलजारीलाल नंदा है ना, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू क्या है, ये पहले अध्यक्ष है, क्योंकि आपको याद है योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950, और ऑलवेज प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, ऑलवेज प्रधानमंत्री क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं है ना। और लास्ट अगर मैं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना ये अंतिम पंचवर्षीय योजना रही है 2012 से 17, ठीक है। हाँ, लास्ट कौन थे, मोंटेक्सो अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया लास्ट थे। लोकसभा के सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, सवाल नंबर 11। कौन करता है, जैसे ही लोकसभा आएगा ना हमेशा दिमाग में सेट करना लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति को क्या मतलब है भाई बताओ, राष्ट्रपति कोई मतलब है। हां प्रशांत, भारत में रेलवे भी पंचवर्षीय योजना है, तो लोकसभा अध्यक्ष जैसे देखो आप लोकसभा के सभी संसदीय समिति की बात किया तो पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी, जिसको हम लोक लेखा समिति कहते हैं, जिसमें मेंबर की संख्या कितनी होती है, 22 होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा है, कौन नियुक्त करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं ना। कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता माय डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कांग्रेस सेशन मद्रास 1887, कांग्रेस सेशन इलाहाबाद 1888, कांग्रेस सेशन लाहौर 1931, कांग्रेस सेशन मुंबई 1892, सवाल नंबर 12। प्लस पे CBT2 का एक्सपेक्टेड स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब टाइम नहीं है, आप रिजल्ट का वेट मत करिए। सुदीप्ता बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं आपको गुस्सा नहीं होना बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ अक्टूबर में बिल्कुल पहले बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद जैसे कुछ अनाउंसमेंट होगा फिर 5000 प्लस सीरीज चलाएंगे, परेशान मत होना। तो कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता बच्चे, 1931 ये कहां हुआ था, कराची में, ये कहां हुआ था, कराची, और पटेल साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं, याद रखना, जहां पर फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की जाती है अंग्रेजों से, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। लोनार झील जो हाल ही में खबरों में था महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है, मुंबई, नासिक, बुलढाणा, नागपुर, क्वेश्चन नंबर। अजहर साहब हर जगह बारिश है, केवल गया ही नहीं यहां भी बारिश है। तो हाल में खबरों में था ये बुलढाणा, और याद है ये क्रेटर का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है माय डियर, क्रेटर का, क्रेटर मतलब कोई पिंड पृथ्वी से टकराई और पृथ्वी में गड्ढा भर गया जिसके कारण ये झील देखने को मिला है। हाल ही में लोनार झील का जो जल है वो पिंक हो गया था, गुलाबी हो गया था, आपको याद होगा है ना। लोनार झील जिसे लोनार क्रेटर के रूप में भी जानते हैं, एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक खारा सोडा झील जो बुलढाणा जिले महाराष्ट्र लोनार में स्थित है माय डियर। अघिल पास कनेक्ट, अघिल दर्रा किसे जोड़ता है, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, काराकोरम, लद्दाख, सिक्किम और लहासा, क्वेश्चन नंबर 14। धौलावीरा 40, रामप्पा 39, क्या बात है।
क्या हो भाई, तो काराकोरम लद्दाख, क्या बात है क्या बात है, देवाशीष बर्मन बहुत शानदार। अच्छा आपने देखा आकाश, क्या बात है यार सुंदर, काराकोरम और लद्दाख को अगिल दर्रा अगिल पास जोड़ता है माय डियर, है ना। तो काराकोरम में माउंट गॉडविन ऑस्टिन के उत्तर में स्थित है और लद्दाख को चीन के जिनजियांग प्रांत से जोड़ता है और यह बेसिकली नवंबर से मई तक सर्दियों के मौसम के दौरान बिल्कुल क्लोज रहता है, किससे, ग्लेशियर जमा हो जाता है बर्फ के कारण, है ना। शहर में जंगली जानवरों को बचाने के लिए चंडीगढ़ यूटी प्रशासक वीवी बदनोर की बात करें द्वारा शुरू किए गए एप्लीकेशन का नाम बताइए। नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेटर वीपी सिंह बदनोर टू रेस्क्यू वाइल्ड एनिमल्स इन द सिटी। क्या होगा बच्चे, तो वन्य जीव बचाओ, ऑप्शन नंबर डी, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, है ना। किसे सिस्का ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, राजकुमार राव, क्वेश्चन नंबर 16। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिस्का ग्रुप, तो किसे बनाया गया बच्चे, सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया राजकुमार राव को, राजकुमार राव को किसे बनाया गया है, राजकुमार राव को, है ना। किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन जारी किया है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज रिलीज्ड अ स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी, यूएसए, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा ऐड देखा है बल्ब वाला, तब सही है फिर तो, नेपाल। अब देखो कितने सारे बच्चे लगाएंगे, देख लो कितने सारे बच्चे नेपाल लगाएंगे। किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन जारी किया, कोई ऐसा है जो नेपाल लगाएगा, अंकित शर्मा ने लगा दिया, पवन ने लगा दिया, विराट कोहली का जवाब अभी सही है, किरण का भी जवाब सही है। तो नवंबर 2020 में नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मैले बुझे को गांधी, महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ जारी किया गया था। इस अवसर पर नेपाल में भारत के एम्बेसडर राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भी मौजूद थे, उपस्थित थे। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत डिजिटल समाचार और ओटीटी को भी जोड़ा गया है, जो आज देखते हो आजकल जितने सारे मूवी हैं या फिर वेब सीरीज है वो ओटीटी पर प्रसारित किए जाते हैं, तो बताइए उसे किस आर्टिकल में ऐड किया गया, 75, 72, 74, 77, सवाल नंबर 18। क्या होगा भाई, तो आर्टिकल नंबर 77, आर्टिकल नंबर 77, अरे भैया मेरे 74 मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री, ये तो माफीनामा है राष्ट्रपति का। तो केंद्र सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और अन्य जैसे ओवर द टॉप, ओटीटी मतलब क्या हो गया, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म या वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाताओं को लाया है, है ना। 77 याद रखना बिल्कुल। बता दो दिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा ये, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करेंगे सारे के सारे, है ना। आर्टिकल 77 क्या कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्व किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ठीक है, ये कहता है 77। निम्नलिखित में से किस गगनचुंबी इमारत ने एम्पोरिस स्काई स्क्रेपर पुरस्कार 2019 जीता है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, टाइपे 101, बुर्ज खलीफा, लक्ता सेंटर, क्वेश्चन नंबर 19। बता बच्चे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19, किस गगनचुंबी इमारत ने एम्पोरिस स्काई स्क्रेपर पुरस्कार 2019 जीता है, लक्ता सेंटर, क्या होगा ये, लक्ता सेंटर, ऑप्शन नंबर डी, सब बुर्ज खलीफा में चले जाओ ये है। तो सेंट पीटर्सबर्ग रूस में
462 मीटर ऊंचे लगता केंद्र को एम्पोरिस स्काई स्क्रेपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आप सबके सामने दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची इमारत है, देखो कितनी खूबसूरत है, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको, है ना, कहाँ है, रूस में है ये, कहाँ पे ये, रूस में, रसिया में है। नाइनी नरसिम्हा रेड्डी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली गृह मंत्री थी, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्वेश्चन नंबर 20। माय डियर अभी 1:30 पीएम पे भी जुड़ना है, ज्योग्राफी है आज, मिस मत करना बिल्कुल, ठीक है। तो तेलंगाना, नाइनी नरसिम्हा रेड्डी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य की पहली गृह मंत्री थी, तेलंगाना की, कहां की, तेलंगाना की, है ना। T20 इंटरनेशनल में विकेट कीपर द्वारा सबसे अधिक आउट होने के एमएस धोनी के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा, हु हैड ब्रोकन एमएस धोनीज रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट डिसमिसल्स बाय विकेट कीपर इन T20 इंटरनेशनल, सारा टेलर, एलेक्स कैरी, जॉनी बेरस्टो या एलिसा हीली, क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा माय डियर, तो एलिसा हीली, कहां की है ये, ऑस्ट्रेलिया की है क्या, बिल्कुल एलिसा हीली भाई, आप देख सकते हो 50 स्टंपिंग है और एमएस धोनी की 34 स्टंपिंग है और सारा टेलर की 51 स्टंपिंग है, तो टोटल अगर काउंट करेंगे ना डिसमिसल की तब आपको क्या लगेगा, एलिसा हीली कितने, 92 डिसमिसल क्या कैच और स्टंप को मिला के, ठीक है भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पेशावर में एक मठ स्तूप बनवाया, हु अमंग द फॉलोइंग इरेक्टेड अ मोनेस्ट्री स्तूपा एट पेशावर, अशोक, कनिष्क, बिंबिसार, हर्षवर्धन, क्वेश्चन नंबर 22। किसने पेशावर में एक मठ स्तूप बनवाया बच्चे, कनिष्क, अशोक कहां बनवाता है, तो सांची का स्तूप, पेशावर का पुराना नाम फिरोजपुर, जो कनिष्क की राजधानी हुआ करती थी, कनिष्क की राजधानी हुआ करती थी पेशावर, फिरोजपुर याद होगा आपको, है ना। तो पेशावर स्तूप या कनिष्क स्तूप की बात करें, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कुषाण शासक कनिष्क द्वारा स्थापित एक स्मारक स्तूप है, जो कहां, पेशावर पाकिस्तान में है, है ना। निम्नलिखित कवियों में से कौन असद के नाम से उर्दू गजल लिखते थे, मीर ताकी मीर, दुष्यंत, मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, क्वेश्चन नंबर 23। मिर्जा गालिब, तो कौन असद के नाम से उर्दू गजल लिखते थे बच्चे, मिर्जा गालिब लिखते थे, कौन लिखते थे, मिर्जा गालिब, है ना। मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या है, मिर्जा असदुल्लाह, देख लो वास्तविक नाम मिर्जा असदुल्लाह बेग खान, लेकिन हम में से, आप में से इसे गालिब के नाम से जानते हैं। गालिब से पहले उन्होंने पेन नाम असद लिखा था, जिसका अर्थ है एक शेर। बहादुर शाह जफर या द्वितीय द्वारा दबीरुल मुल्क के खिताब से सम्मानित किया गया, कई बार आता है कि मिर्जा गालिब किसके समकालीन थे, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के समकालीन थे, ठीक है। किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए की घोषणा की है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, क्वेश्चन नंबर 24। आशीष बहुत लेट हो गए बच्चे, अब तो लास्ट क्वेश्चन है, तो महाराष्ट्र। किस राज्य के आशा कार्यकर्ताओं ने के लिए 57 करोड़ रुपए की घोषणा की गई माय डियर, तो महाराष्ट्र के लिए, किसके लिए, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कुल 70,000 आशा कार्यकर्ताओं के भत्ते में वृद्धि के लिए 57 करोड़ रुपए की राशि की गई है। निम्नलिखित में से किस रेलवे ने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए फ्रेट सेवा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा वैक्सीन लगवाने गया था, चलो बहुत बढ़िया, लगवा लिया वैक्सीन, क्या बात है। तो माय डियर, सदर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, चेन्नई है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई माय डियर।
तो दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन ने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए एक इन हाउस मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेट सेवा शुरू किया है। अगर मैं बात करूं दक्षिण रेलवे जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, भारतीय रेलवे के 18 जोन में से एक और स्वतंत्र भारत में भारतीय रेलवे के 18 क्षेत्रों में से सबसे पुराना, एक सवाल बनेंगे कि 18 जोन में से सबसे पुराना जोन कौन सा, तो दक्षिण रेलवे जिसका मुख्यालय चेन्नई है, मुख्यालय चेन्नई, 18वां कौन सा, तो वाइजाग विशाखापट्टनम है। तो ये था आज का सेशन। आई होप सो गाइस आपने आधे घंटे का सेशन बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। नेक्स्ट क्लास मेरी अभी 1:30 PM 1:30 बजे वाईफाई स्टडी पे होगी। कहाँ पे? वाईफाई स्टडी पे होंगी, तो आप ज्वाइन जरूर करना। आज है चौगरफी की बारी, आज 30 तारीख है लास्ट डेट, तो इस ऑफर को हाथ से ना जाने दें। ज्वाइन करिए और अपने थ्योरी, चाहे मैथ्स कॉन्सेप्ट हो, रीजनिंग कॉन्सेप्ट हो, इंग्लिश का हो, जीके जीएस हो, जबरदस्त तरीके से स्ट्रांग करिए 24 महीने के साथ 8 महीने, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भाई माई डियर, ताकि आपको 2022 का जो पेपर होगा बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होगी, है ना। आप देख सकते हो ये फ्री आपके सामने है, तो जब भी आप ज्वाइन करें, जो हमारा रेफरल कोड है BA BA10 आप लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। और प्राइस हाइक रेलवे एग्जाम्स तो अक्टूबर के महीने में बिल्कुल जीरो से हीरो सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो CBT 2 ग्रुप डी के लिए फायदेमंद होगा, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा प्राइस हाइक होने के पहले, ठीक है, क्यों आप ज़्यादा पैसा देना है ना। और प्रत्येक संडे को कॉम्बेट होता है, तो आप कॉम्बेट में जरूर पार्टिसिपेट करें। आपको कोड मांगा जाएगा जब ज्वाइन करने जाएंगे, तो आप कोड आपको पता ही है, BABA10 डाल के आप ज्वाइन कर लेना। अगर आप 1-3 रैंकिंग आते हैं तो आपको SSC का 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये कब होगा? तो प्रत्येक संडे दोपहर 12 बजे। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। मिलते हैं फिर बच्चे 1:30 PM पे, तब तक के लिए शुक्रिया।